हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन हाउ डिड डार्विन एक्सप्लेन एडाप्टिव रेडिएशन सपोर्ट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल तो हमें क्वेश्चन में बताना है कि डार्विन ने एडाप्टिव रेडिएशन को कैसे एक्सप्लेन किया एंड सपोर्ट करना है उसको विद अनदर एग्जांपल तो यहाँ पर हमारा जो की कांसेप्ट होगा वो है एडाप्टिव रेडियेशन नाप्टिव रेडिये थियोरी ऑफ एवल्यूशन है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अकॉर्डिंग टू दिनवायरमेंट चेंजेस है ना तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स चेंज

दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन होती है तो ये सिंगल स्पीशीज ये जब एक नए एनवायरमेंट में इंट्रोड्यूस होती है न्यू एनवायरमेंट में तो अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरमेंट वो अडेप्ट करने की कोशिश करती है जिसकी वजह से हमें मल्टीपल डाइवर्स स्पीशीज मिलती है क्योंकि वो एनवायरनमेंट के अलग अलग हिस्सों में जाकर ये स्पीशीज अडेप्ट करने की कोशिश करती हैं तो दैट इज द होल पॉइंट ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन जो कि और ये पूरा प्रोसेस इट्स अ नेचुरल सिलेक्शन जहाँ पर वो डाइवर्सिफाई होते हैं अडेप्ट करते हैं डिफरेंट ट्रेड्स अलग अलग ट्रेड्स जो है वो वेरिएट होते हैं यानी कि चेंज होते हैं फॉर द सेम काइंड ऑफ स्पीशीज तो दे कम आउट फ्रॉम द सेम एंड नाउ ये जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है अडेप्टिव रेडिएशन डार्विन ऑब्जर्व देम इन बर्ड्स कॉल्ड फिंचेस या फिंच तो finches, इनको भी कहा जाता है तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो फिंचेस है ये सिंगल स्पीशीज ही थी स्टार्टिंग में एंड सिंगल स्पीशीज ये माइग्रेट किए इन स्पीशीज ने फ्रॉम साउथ अमेरिका टू गैलेपेगोज आइलैंड्स नाउ ऑन द गैलेपिगोज आइलैंड्स ये जो बर्ड्स थे ये अलग अलग पार्ट्स में जाकर रहने लगे एंड जो हर पार्ट था वहाँ पर उन्हें अलग अलग चैलेंजेस और ऑपरचुनिटीज मिली बर्ड्स को और इधर सबसे मेजर चैलेंज जो बर्ड्स ने फेस किया वो था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जैसे कि देव फूड्स लाइक सीड्स इन सम पार्ट्स फिर सम पार्ट्स में इंसेक्ट्स थे एंड सम में नेक्टर और बहुत सारे वेरिएशंस तो नेचुरल सिलेक्शन की नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस से जो है उन बर्ड्स को फेवर कर आ, आ, वो बर्ड्स फेवर होने लगें जो कि ज्यादा जिनके बीक साइजेस और शेप्स बीक्स के शेप्स और साइजेस बेस्ट सूटेड थे उस पार्टिकुलर फूड के लिए और इसीलिए आगे जाकर वी हैड मल्टीपल स्पीशीज ऑफिस डेवलप कॉमन एंडसेस्टर स्पीशीज जहां से दे इवोल्व द बीक्स इवोल्व सो दे बीक्स कुड इवॉल्व इन टू लार्ज Uh, तोड़ने के लिए सम ऑफ द फिंच विथ नैरोट व इंसेक्ट एंड इसी तरह एक एंसेस्टर से वी हैड मल्टीपल स्पीशीज राइज अप बेस्ड ऑन कि वो कौन से फूड के लिए फूड आइटम्स या uh, जो फूड सोर्सेस हैं उसको स्पेशलाइज करते सो दिस इज हाउ डाविन एक्सप्लेन अडेप्टिव रेडिएशन एंड फिंचेस जो है वर दे कैन ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल फॉर अडेप्टिव रेडियन एक और एग्जाम्पल जो हम दे सकते हैं फॉर अडेप्टिव रेडिएशन इज फॉर एग्जाम्पल अ फैमिली जहां पर वी हैव पोर चिल्ड्रेन ठीक है एंड नाउ क्या होता है ये बच्चे दे हैव द सेम ओरिजिन सो द सेम एंडसिस्टर्स पेरेंट्स ओरिजिन एवरीथिंग इज सेम So they grow up in one environment, and fear each of them goes to different places. Different places. So, what happens? Each of the children now they are from the same family, so same ancestor. Each of them adapts to that. Changing environment and lifestyle. So they develop new characteristics. So this is also another example where they develop new characteristics, learn new things that are different from their origin. Okay?

ओके एंड अनदर एग्जाम्पल जो आप अपने से दे सकते हो वो है एक एग्जाम्पल ऑफ अ फैमिली जिसमें चार बच्चे होंगे एंड वो बच्चे बड़े होकर जो है अलग अलग जगहों पर जाकर दे अडेप्ट टू दी एनवायरनमेंट होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस वेल बेस्ट ऑफ लक